Hi, I'm Archana Puran Singh and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. डर जो होता है ना बड़ा खतरनाक होता है. एक बार मन में समा जाए ना तो आदमी डरा रहता है कि कोई आ ना जाए. आपको भी लग रहा था ना कि कोई आ ना जाए, मैं उठूं कोई बैठ ना जाए, होता है ना. सबसे ज्यादा हमारे देश में लोगों को डर लगता है भूत चुड़ैलों से. भूतों से बचने के लिए लोग अलग अलग तरीके बताते रहते हैं. किसी ने दिनेश को बोला अगर कहीं चुड़ैल दिख जाए ना फटाफट सारे कपड़े उतार के खड़े हो जाओ. तो ये एक दिन तो हॉरर पिक्चर देख के बैठा था तो दरवाजा खुला, अंधेरे में ना एक औरत इसको आती दिखाई दी. इसको लगा चुड़ैल. इसने एक सेकंड नहीं लगाया सारे कपड़े उतार दिए. और डर गई, कहती साहब मैं तो भाई है, मैं तो अपना मोबाइल भूल गई थी. ये वो तो सच की औरत निकली, ये कपड़े उतार के सच में भूत लगने लगा. कुछ लोगों को भूतों से डर बड़ा लगता है पर टीवी पे मूवी भी देखेंगे तो भूत वाली हाँ. और फिल्म देख के भी डरते भी रहते हैं अकेले में खुद ही. जैसे कोई हॉरर सीन आता ना तो सोफे से तकिया उठा के ना मुंह के आगे कर लेते हैं. फिर ऐसे ऐसे देखते रहते हैं, कुछ हुआ कि नहीं. ये अपना गोपाल है ना कीबोर्ड पे, ये हमेशा ऐसे करता है. अच्छा। मुंह पे तकिया रख लेता है, हाय भाजी भूत आ गया. एक बार तो अपने दादा के साथ बैठा पिक्चर देख रहा था तो एकदम से भूत वाला सीन आया तो इसने मुंह पे तकिया रख लिया. बाद में इसने रियलाइज किया कि यार डर तो मैं रहा हूँ, दादा को पैर पटकराया. फिर इसको रियलाइज हुआ तकिया इसने दादा के मुंह पे रख दिया था. कुछ लोग ना किसी मकान या जगह को हॉन्टेड बता देते हैं. यहाँ एक औरत मरी थी हाँ. उधर नहीं जाने का. शाम ढलते उसकी आत्मा भटकती, दारू मांगती है वो. बेवड़ी थी, जो भी इधर से जाता है उसको अपनी तरफ खींच लेती है. इस चक्कर में कोई उधर जाता नहीं. ऐसी जगह पे कभी कभी पुलिस का छापा पड़ता ना हाँ. फिर पता चलता है कि चुड़ैल के साथ एक तांत्रिक भी लिविन में रह रहा था वहां पे. अच्छा जब भी भूतों के किस्से किस्से सुनो ना वो यही बताता है कि फलाना हवेली में भूत है, फलानी हवेली में भूत है. भूत हमेशा हवेली में रहते हैं, कभी वन बेडरूम हॉल में नहीं आते हो. उनको पता है वन बेडरूम हॉल में पहले इतने लोग चिपक के सो रहे हैं, मैं जाके किसको चिपकूंगा. भूतों की अपनी प्रॉब्लम्स है. हॉरर फिल्म में आप देखना हर घर में ना एक बॉल जरूर होती है. कभी भूत का सीन शुरू होने वाला होता ना पहले एक बॉल गिरती ना ठक 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 ठक. भूत पता नहीं डराने आया कि बास्केटबॉल खेल ले आया. हॉलीवुड फिल्मों में आप देखना जो भूत भगाने वाले होते हैं ना होली वाटर लेके आते हैं वैसे छिड़कते हैं भूत चला जाता है. हमारे यहाँ पे उल्टा है. हमारे यहाँ पे आप देख लो भूतों से ज्यादा डरावने तांत्रिक लगते हैं. लंबे लंबे बाल, काले पीले दांत और डराते भी कैसा है. क्यों आई यहाँ पे, क्यों घुसी इसके शरीर में, छोड़ इसको, क्या चाहिए तुझे, ओ शराब चाहिए. इनका अपना दिल कर रहा था भूत का नाम लेके दो बोतल शराब खुद पी जाता तांत्रिक. अच्छा अर्चना जी आप देखो मैं भूतों की बात कर रहा हूँ तो अनीस बज़मी साहब ने भूतों के ऊपर फिल्म बना ली. देखा मेरे को मानते बड़ा इंडस्ट्री के लोग ना. और आज उसी फिल्म के कलाकार यहाँ पे आ रहे हैं आप सबकी जोरदार तालियों के साथ. प्लीज वेलकम फिल्म भूल भुलैया 2 से मिस्टर कार्तिक आर्यन और वेरी ब्यूटीफुल कियारा अडवाणी. जोरदार तालियां कार्तिक और कियारा के लिए. कियारा कार्तिक आप दोनों बड़े प्यारे लग रहे हैं. थैंक यू कपिल भाई. आप भी बड़े प्यारे लग रहे हो. सीरियसली अच्छा लेकिन एक कार्तिक का आप टैलेंट देखो हाँ. ये जिस भी हीरोइन के साथ आता ना हाँ. ऐसा लगता है इसका इसी के साथ जोड़ी है. जोड़ी बन गई इसकी. ये कौन सा सॉफ्टवेयर डलवाया कार्तिक तुमने अंदर. कपिल भाई मेरा भी आप ही के जैसा है. क्या क्या जैसे आप भी हर हीरोइन के साथ शनिवार इतवार को सेम लाइंस बोलते हो, सेम कॉम्प्लीमेंट्स देते हो. मैं भी वैसे ही करता हूँ. ऐसा लगता है पहली बार फ्लर्ट कर रहे हो. लेकिन करता हर सैटरडे संडे. हर सैटरडे संडे हीरोइन बदलती रहती है. कहाँ पिछली बार तो नवाज भाई आए थे. पर मैं कियारा के लिए एक अलग बात बोलना चाहता हूँ. अच्छा अलग. हाँ, अलग अलग. कियारा यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस ब्यूटीफुल. ये अलग है. आई लव यू. नो अरे अरे सेम बिल्कुल सेम टू सेम. मैं पूरी बात तो सुन लो बुआ जी. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ कि ये बात आपको हमारे देश के करोड़ों नौजवान कहना चाहते हैं. तो आप उनको आई लव यू टू बोल दें, मैं उन तक आपका मैसेज पहुंचा दूंगा. सिंपल सी बात है. क्या डाकिया जो पास ऑन कर देगा मैसेज. आप क्या दर्जी हो जो हर बात काटती हो मेरी. मैंने आपको कभी रोका किसी बात में. ये आप कुछ बोल रही थी. बोल दूं उनको. जी प्लीज बोल दीजिए. आई लव यू टू.
तो जो बीच में मैंने लाइन बोली ना कि देश के करोड़ों, उसको हटा के मेरा आई लव यू और इनका आई लव यू टू डाल के मेरे को एक क्लिप बना के देना। कियारा की एक आपने बात नोटिस की होगी सबने, कियारा की बैक टू बैक सारी फिल्में, चाहे गुड न्यूज, कबीर सिंह, शेर शाह, बड़ी सुपर डुपर हिट रही है। आपको क्या लगता है, आप प्रोड्यूसर के लिए लकी है या मैं आपके लिए ज्यादा लकी हूँ? मुझे लगता है जब भी हम आपके शो पे आते हैं तो हम मतलब फिल्म हमारे, मेरी तो फिल्में ऐसे होते हैं, व्हेनेवर कम ऑन कपिल सर शो, उस फिल्म का तो मतलब। शुक्रिया, आइए कियारा। थैंक यू। कार्तिक बैठिए प्लीज। अच्छा कार्तिक की एक मैं बड़ी तारीफ करना चाहूंगा कि ये बैक टू बैक फिल्में तो बड़ी कमाल कमाल की कर रहे हैं, बीच में जो ब्रेक मिलता है ना उसमें भी काम पकड़ लेते हैं। हमने सुना है नेक्स्ट मंथ आप दुबई जा रहे हैं अभिषेक बच्चन साहब और रणबीर कपूर के साथ फुटबॉल मैच खेलने। हाँ जी जा रहा हूँ। तो वो दोनों तो मैरिड है, आपको नहीं लगता कि आपको भी सेटल हो जाना चाहिए, या आपको ये लगता है कि शादी से पहले जितना खेलना है खेल लो फुटबॉल? मतलब ऐसे सोचा नहीं, अभी सोचता हूँ इस बारे में। एक्चुअली ये सही पॉइंट है। अच्छा मैं, हाँ खेलना तो चाहता हूँ फुटबॉल। नमस्कार। नमस्कार मैम, कार्तिक के मम्मी पापा सो स्वीट, हमेशा हम शूट पे आते हैं। इनका फेवरेट शो है कपिल शर्मा शो, एंड हर बार जब भी प्रमोशन होता है मेरी मम्मी पीछे पड़ जाती हैं कि इनको यहाँ पे आना है। सो स्वीट। थैंक यू, थैंक यू माला जी, थैंक यू, शुक्रिया। कियारा इतनी वैसे खूबसूरत हैं, प्यारी हैं, इनको देख के वैसे ही आदमी खुश हो जाता है, चेहरा खिल जाता है। आपको ये लगा नहीं कि अब मैं ये हॉरर कॉमेडी कर रही हूँ तो लोग मेरे को देख के डरेंगे? लोगों को तो प्यार हो जाएगा भूतनी से कि हे भगवान ये भूतनी चिमट जाओ। आपके मन में एक बार भी ये थॉट नहीं आया? नहीं, एक्ट्रेस हूँ मैं, वर्सेटाइल बनना चाहती हूँ, तो क्यों नहीं? Yeah. पर आप भूत भी बनी हुई ना, तो इतनी प्यारी भूत बनी ना कसम से। हाँ बहुत अच्छी, शाबाश, जीती रहो। जीती रहो। आप सबने ट्रेलर में देखा होगा कि कार्तिक एक बंदी को भूतों की कहानी सुना के उसे हग कर लेते हैं। तो ये फिल्म में आपका करेक्टर ऐसा है कि आपको देख के फिल्म का करेक्टर बदला गया? नहीं, कैरेक्टर ऐसा था, अनीस सर ने मुझे, अब पता नहीं शायद देख के ही बनाया वैसा। बट ये सीन शुरू से था। अच्छा, ये मैंने कुछ इसमें नहीं किया, उनको लगा कि मैं इस कैरेक्टर के लिए फिट बैठता हूँ। नहीं करेक्ट है, क्योंकि जब मुझे स्क्रिप्ट सुनाई गई थी तब ऑब्वियसली कार्तिक ऑलरेडी कास्ट हुए थे उसमें, एंड मुझे भी ऐसा लगा कि इट वाज एज इफ इट वाज रिटन फॉर कार्तिक। रियली? जब मैं पढ़ रही थी जिस तरीके जोक्स थे सब, मतलब इट वाज एग्जैक्ट जैसे कार्तिक ही बोलने वाला है। सो वाओ, दैट्स अमेजिंग। मुझे ऐसा लगा। सो कोई भी एक जोक सुन के मेरी याद नहीं आई? सोच रही हूँ। नहीं सोचा। कियारा बदल गई है बहुत ज्यादा। और भी खूबसूरत हो गए ना, ज्यादा खूबसूरत है ना कपिल? नेक्स्ट आपको सोचो, इतनी दूर से देख रहे हैं मुझे कितनी खूबसूरत लग रही होगी। कार्तिक भी बड़ा प्यारा है यार, ऐसी बात नहीं, दोनों प्यारे लग रहे हैं फिल्म में। आप सबने ट्रेलर में देखा होगा कि जिस मुंह से ये एक दूसरे को कह रहे हैं कि हम तुम्हें पसंद नहीं करते, फिर बाद में इंस्टेंट बाद एक दूसरे का मुंह मीठा भी करवाते हैं। मैं तो ये सोच रहा था कि नापसंदगी में ये आलम है, अगर पसंद करते तो ये तो मिष्ठान भंडार खोल देते। वाह Give it up, bro. अब वक्त है फिल्म से हमारे बाकी मेहमानों को यहाँ पे बुलाने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इस मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा एक के बाद एक कई सारी हिट फिल्म्स देने वाले सुपर हिट डायरेक्टर मिस्टर अनीस बज़मी साहब, और उनको लेके आ रहे हैं भूल भुलैया से छोटे पंडित उर्फ राजपाल यादव साहब। वो अनीस भाई, राजपाल भाई, बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियां हमें एक बार। थैंक यू। अनीस भाई सिर्फ कमाल के डायरेक्टर ही नहीं है, ये पार्क ही बहुत बड़े हैं। हाँ। विजनरी आदमी है। मुझे सबसे पहले फिल्म में काम देने वाले अनीस भाई थे। वो लोग बाद में, मेरा छोटा रोल था उसमें। अच्छा। पर अभी, हाँ अभी देंगे बड़ा रोल। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है। कपिल भाई, वो जो रोल था वो ठीक है, मतलब आज जैसा आपके रोल चल रहे हैं उससे थोड़ा छोटा था,
बट उस छोटे रोल में आपने कितना अच्छा काम किया. नहीं नहीं नहीं, बट वो पहले शॉट में समझ में आ गए थे कि नहीं ये इंसान जो है ये नहीं टिकेगा फिल्मों में. नहीं बहुत राजपाल भाई. जी सर. पिछली भूल भुलैया में आपका चेहरा लाल था जी, इसमें आपका चेहरा सफेद है जी. क्या हीमोग्लोबिन की कमी आ गई क्या हुआ? राजपाल भाई आपने कभी भूत भूत का रोल किया है? मेरे को ऐसा लगता है कि आप नहीं कर सकते क्यों? क्योंकि ये जो भी किरदार करते हैं उसमें जान डाल देते हैं. हाय हाय. तो अगर इन्होंने भूत का रोल किया ये उसमें जान डाल देंगे फिर भूत कहाँ रह जाएगा? ये इनके लिए कॉम्प्लीमेंट है. भाई पहली भूल भुलैया में आपने छोटे पंडित का किरदार किया जी. आज 15 साल बाद छोटा पंडित बड़ा हुआ है कि उतना ही है? आप देख लो पिछली भूल भुलैया से भूल भुलैया 2 तक सब कुछ बदल गया. राइटर बदल गए, डायरेक्टर बदल गए, एक्टर बदल गए, एक यही है जो टिके हुए हैं. तो आपकी प्रोड्यूसर के साथ कोई सेटिंग है या पुराने कपड़े आपको अभी फिट आ रहे थे उन्होंने बोला नहीं ये रोल राजपाल भाई पे हो रहा है? ये कपड़ों की जो बात आपने बोली ये सच बात है कि मैं कनाडा में अपने लिए कुछ कपड़े खरीदने गया. अच्छा. और वहाँ नॉर्मल हाइट जो है 6 फिट की है. तो कपड़े ढूंढा था मॉल में, बहुत कम शॉपिंग करने जाता हूँ तो मैं निराश होकर आ गया. मैंने कहा यार मेरी नाप का कोई मिला नहीं. तो मेरी वाइफ कहती है आप गलत जगह चले, किड्स जोन में जाते हैं आपको तुरंत. और जैसे ही मैं कपिल बाबू मैं जैसे ही किड्स जोन में गया कसम से एक कपड़े मेरे ऊपर फिट हुए. तो जैसे अनिल भाई कहते हैं सच बात है कि बड़े होने की तो मैंने बहुत कोशिश की लेकिन ऑडियंस ने मुझे बड़ा होने दिया. मैं बच्चा ही हूँ अपने फन में. आप इतने बड़े हैं राजपाल भाई, कसम से आज भी इतने प्यारे लग रहे हैं, किसी छोटी देश की आर्मी के चीफ लग रहे हैं आप. ये आर्मी का सपना अधूरा रह गया. पूरा हो गया. और ये नहीं कर पाया. 2-3 बार मैं भर्ती भी होने गया, नेवी में गया. आप ऐसे बंदूक भर्ती हो जाओ. नहीं, 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 अच्छा अनीस भाई को आप एज ए डायरेक्टर जानते हैं, एज ए राइटर जानते हैं, हालांकि ये एडिटर भी बड़े कमाल के हैं, मल्टी टैलेंटेड आदमी है. तो अनीस भाई इतने सारे आप काम करते हैं, आपको दूसरों पे भरोसा नहीं है कि आपको 5 नामों से पेमेंट उठाना अच्छा लगता है आपको? ये एडिटर का चेक भी मेरे पास आए, राइटर का भी आए. यार कपिल भाई देखिए अभी आप सोनी में भी काम कर रहे हो और पता नहीं कहाँ कहाँ कितना काम कर रहे हो. यूएसए तो आप जा रहे सब हो. काम कर सकते हो तो हमें काम अगर 2-3 कर ले तो. गुरुदेव माफी चाहता हूँ अपने सवाल के लिए. कपिल भाई अनीस भाई का मैनेजमेंट इतना अच्छा है. अच्छा जी. जब आप सेट पे 250-300 लोगों के बीच में हो और वहाँ सब एक्टर्स हो, 15-16 एक्टर्स हो और इनको किसी एक्टर को निराश नहीं करना है. यही बात तो मैंने देखी है. जैसे ही बैठे हो किसी एक्टर के दिमाग में कुछ भी आया तो अनीस भाई पहुंच जाते हैं. हाँ भाई बराबर है. हाँ बिल्कुल बराबर है. बिल्कुल बराबर है. अच्छा आकाश आकाश सुन सुन ये सोचा सबकी सुनना है करना अपने मन की है. तुम भी बराबर बोल रहे हो, तुम भी बराबर बोल रहे हो लेकिन सीन ये डिसाइड हुआ है. अब बात मत बताओ सब लोग. ये बिल्कुल बड़ी सही बात बोली आप. मुझे किस्सा याद आ गया नहीं भाई आपका. एक फिल्म के सेट पे शूट कर रहे थे तो किसी को एक्टर ने कुछ ऐसा कुछ किया. ओह माय गॉड. तो अनीस भाई ने बोला ये ऐसा क्यों आपने किया? तो हमारी इंडस्ट्री के बहुत बेहतरीन एक लेजेंडरी एक्टर है अर्जन जी. मैं बताता हूँ बहुत बड़े एक्टर है, बहुत अच्छे एक्टर थे. तो उन्होंने बेचारे जो दूसरे एक्टर है उनको पूरी एक्टिंग करके सिखाना शुरू किया. अच्छा, आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए. और बेचारे छोटा एक्टर जो थे थोड़े वो बहुत परेशान थे. मैं एक बात आगे बोले सर ये पूरा देखो मेरा क्या कर रहे. तो अभी वो इतने बड़े एक्टर है तो मैंने बोला काम करो जो वो बोल रहे आप वैसे ही कीजिए, कोई बात नहीं जाइए. तो उन्होंने जाके शॉट दिया. जैसे ही शॉट दिया मैंने चला कर क्या कर रहे हैं आप ये करने के. तो वो जो बड़े एक्टर होते तो बड़े बोलना नहीं मैंने सिखाया बोलना नहीं. क्या कुछ भी कर दो पूरा सीन खराब कर रहे हो, पूरी पिक्चर हमारी खराब कर रहे हो आप. कमाल था सीन. कार्तिक को ना फिल्म में एक बच्चा सैंडविच देके बोलता है कि पंडित जी ने कहा कुत्तों को खाना खिलाओ तो पुण्य लगता है. आपने सच्ची में ऐसा कोई सुपरस्टिशन में आके कभी कोई ऐसा काम किया है कॉलेज के टाइम पे, स्कूल के टाइम पे?
जब एग्जाम होते थे तब तो एक्स्ट्रा सुपरस्टिशियस हो जाते पेन लेके जाते ना मंदिर के आगे रख देते हैं मैं हाँ मतलब मैं किताब रखी है पेन रखा है किया है ये वाली चीज की है बिल्ली जब रास्ता काट देती है तो रुक जाता था किसी ने बोला कि थूक दो रास्ते में फिर क्रॉस करो तो वो चीज सुधर जाएगी जो बिगड़ गई तो यही छोटी छोटी चीजें हैं बाकी तो ऐसा तो पापा डॉक्टर हैं आप तो वैसे ही पढ़ाई में आई एम श्योर आप बड़े इंटेलिजेंट ही होंगे इतना भी नहीं था कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा डर लगता था आपको केमिस्ट्री में केमिस्ट्री छोड़कर केमिस्ट्री से डर लगता था आज वही चीज सबसे ज्यादा इनकी हर किसी के साथ है आप देखो सर वो क्या है वो H2O H2SO4 वो सब मेरे से नहीं होता आप 1-2-4 में बिलीव करते हो क्या रहा आपने कभी किया है कोई ऐसा वहम भरम नहीं मैं सुपरस्टिशियस बिल्कुल नहीं हूँ बस एक चीज है कि स्पेशली क्योंकि फिल्मों में एक्चुअली बहुत सुनते हैं ना एवरीबॉडी इज अ लिटिल बिट बड़े लोग क्रिकेटर्स बड़े करते हैं कि अरे यहाँ पे खड़े वहीं पे खड़े रहो बंदा फलाना खेल रहा है ऐसा होता है ये तो करते हैं जब आप मैच देख रहे हो तो जो पहने हैं वही पहनो दूसरे मैच के लिए भी और जो बिलीव नहीं भी करता ना उसको भी लगता है कि चल थोड़ी देर कर भी लेंगे तो क्या यार हमारा काम अच्छा हो जाए हमारी फिल्म इंडस्ट्री में मैं जब यहाँ पे जब तक कुछ साइन वाइन ना हो तब तक मैं किसी को कुछ बताती नहीं मुझे ऐसा लगता है अंधविश्वास को पूरे देश और दुनिया में आप जैसे चाइना में चले जाओ तो जुआ खेलने जाते हैं तो मछली की पूजा करते हैं कि मछली की पूजा किए बगैर अगर आप चले गए तो कसीनो में हार जाओगे मछली का क्या लेना देना जुए से पता नहीं क्या लेना देना कि मछली पता नहीं वहां जाके पता नहीं पत्ते बदल देती है क्या ये है कुछ मिस्ट्री है अभी जैसे अपना सारथी गाड़ी चलाता रहेगा जो भाई बिल्ली वाली बात की बिल्ली ऐसे तुरंत कर दे तो मैं ये सोचता रहता हूँ कि इससे पूछूं कि तूने ऐसा क्यों किया इसने बेचारी ने क्या नुकसान करके गई अरे उसको क्रॉस करना था कर गई तू गाड़ी जैसे चला बिल्ली सोच रही होगी गाड़ी क्रॉस हो रही है मेरी बैड लक तो बिल्ली भी तो आप शकुन सोच सकती हो सकता बिल्ली भी थूक के गई हूँ पता लगा पर ऐसे बड़े होते हैं वहम भरम डालने वाले यस सर एक बार बैंकॉक में परमीत और मैं गए थे तो परमीत वॉशरूम में थे तो मैं बोर हो रही थी मैंने नीचे देखा होटल के विंडो से तो वहां पर क्या भाई कहते शादी करके बैंकॉक कौन जाता है बैंकॉक कौन जाता है वही जरूरी है वेरी वेल डन वेरी वेल डन नॉटी बॉय शादी के दसियों साल बाद की बात है हमारी शादी को भी तो 30 इयर्स हो गए एनीवे तो मैं बाहर विंडो के बाहर देखा वाज रियली गेटिंग बोर्ड तो एक कोई सिक्योरिटी गार्ड था वो कुछ पढ़ रहा था पेड़ के नीचे बहुत बड़ा पेड़ जैसा था तो मैंने ऐसे करा तो वो ऐसे हो गया तो मैंने कहा ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है फिर मैंने कहा तो वो ऐसे हो गया मैंने 3-4 ऐसी आवाजें निकाली और फाइनली मैंने कहा हा 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 करा तो वो अपनी किताब विताब छोड़ के भाग गया और उसके बाद मुझे मैं 2-3 दिन बाद किसी ने बोला कि आप प्लीज उस पेड़ के नीचे मत जाइए मैंने कहा क्यों क्या हुआ कहते नहीं वहां पर कोई भूत रहता है आवाजें आती है मैंने अनीस भाई पिछली बार अक्षय पाजी ने मंजुलिका को बाहर निकाला था जी इस बार कार्तिक बाहर निकाल रहे हैं परमानेंटली गई मंजुलिका तो वो ये सोच रही है कि नहीं भूल भुलैया 3 में कपिल आएगा तो जाऊंगी ऐसा तो नहीं सोच रही ना जनता का सवाल था मेरा तो नहीं जनता का नहीं लेकिन ये एक बात बता ये आपको मतलब कियारा जैसी दिख रही है वो देखने के बाद आपकी इच्छा जाएगी कि भाई भूल भुलैया 3 में कुछ होना चाहिए क्या वजह है हाँ घुमा फिरा के बात अभी क्या करनी है जनता का सवाल है डायरेक्ट आप कहते हैं मुझे कब तक हर शनि इतवार यही करते रहे एक दूसरे को देख देख के आपको पता हमारे फीचर मिलने लगे हैं मैं कभी कभी सुबह उठ के अपनी शक्ल देखता हूँ मुझे मेरे में अर्चना पूरन सिंह दिखती है ये सुबह सुबह उठती है उनको कपिल शर्मा हमारा ऐसा होने लगा भाई हमें ले जाओ दोनों को किसी फिल्म में काम दे दो नहीं तो इनको तो दे ही दो अनीस भाई की फिल्मों में आपको बताऊंगा तो आपके जहन में आएगी ये बात इनकी बहुत सारी फिल्में राजू चाचा और प्यार तो होना ही था मैं काजल जी का नाम संजना था नो एंट्री में सेलिना जेटली का नाम संजना था वेलकम में कटरीना का नाम संजना था नो प्रॉब्लम में कंगना और रेडी में आसिन का नाम संजना था ये कोई इत्तफाक है या कोई पुराना दर्द है अनीस भाई संजना मतलब
नहीं नहीं क्या है कि ये नाम जो है मुझे बहुत अच्छा लगता था. अच्छा. और मुझे लगता था कि यार इतनी स्क्रिप्ट पे मेहनत कर रहा हूँ फिर हीरोइन के नाम पे भी सोचूं. हाँ. तो मैंने बोला यही चलने दो और अच्छा चल रहा है. तो पहली पिक्चर भी बहुत बड़ी हिट हुई और संजना नाम लोगों को बहुत अच्छा लगा. दूसरी इतनी बहुत देर बाद जाकर वेलकम में मुझे लगा कि नहीं यार इस पिक्चर में अभी इसका भी नाम संजना ही रख दिया बाकी लोगों का नाम चेंज करते हैं. तो मैं एक डेढ़ हफ्ते के लिए गया था लोनावाला सिर्फ एक्टरों के नाम रखने के लिए. घुंगरू मजनू भाई उदय शेट्टी आइकॉनिक वो सारे नाम जो है कुछ दिन कुछ लिखना नहीं था हफ्ता दस दिन सिर्फ नाम के लिए लिया गया. वो भी भाई बनानी चाहिए यार. वेलकम का एक और बनाना है या सिक्वल वेलकम थ्री बनाना चाहिए. एक मरी बहुत कमाल का बहुत कमाल के करेक्टर बनाएंगे इंशाल्लाह. इतने सारे लोग मुझे देखने आए हैं. मैं हूँ बम्पर जो रहती है अपने. थैंक यू. अनीश जी हाय. वो कियारा जी आप तो मेरे से भी प्यारी लग रही हैं. अमेजिंग. कार्तिक भी आर्यन है. क्या कमाल है यार. एक मिनट में सर. इज दिस राजपाल यादव? यस. इज इट रियली? या या राजपाल यादव. मुझे यकीन नहीं मेरी आंखों के सामने आंसर नहीं है. राजपाल यादव. एक मिनट चूटी काटो चूटी काटो चूटी काटो. एक मिनट चूटी काटो. राजपाल जी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ. बहुत बड़ी फैन. नहीं मुझे ऐसे मत देखिए. ऐसे देखिए मत. मैं खो न जाऊं. खुद कसम खा के बोल तू खोने वाली आइटम है. नॉर्मली बच्चे मेले में खोते ना. ये मेले गई मेला इसमें खो गया. फिर इसको किसी ने उल्टा करके झाड़ा सारा मेला बाहर निकला. एक मिनट शर्मा जी ना आपसे एक काम था. एक उंगली चूज कीजिए. आइए मैं आपको बाहर छोड़ के आता. अजीब आदमी है यार. गेस्ट से बात ही नहीं करने देते. लेकिन मैं सच बता रही हूँ राजपाल जी मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ. आपके सारे की सारी फिल्में सारे डायलॉग्स और स्पेशली वो रोमांटिक डायलॉग जो आपने बोला था ना कि इतने लोग रहते हैं तो इसे घर क्यों कहते हैं जिला घोषित क्यों नहीं कर देते. एनर्जी के साथ आप बोलते हैं ना. मैं तो ठीक से बोल नहीं पाई लेकिन आपकी एनर्जी माय गॉड. मैं जब भी वो डायलॉग सुनती हूँ मुझे लूज बम्स आ जाते हैं. लूज बम्स नहीं गूज बम्स. हाँ लेकिन मेरे गूज थोड़े से लूज हैं. प्रॉब्लम है व्हाट बम्पर. काम चल रहा है यहाँ पे. चलो जाओ यहाँ से. अच्छा यहाँ भी काम चल रहा है. हाँ थोड़ी देर पहले मैं बाहर थी वहाँ पे भी काम चल. ओ तो अब मैं समझी. आप लोग सब मिलके अर्चना जी को जला रहे हैं. हर तरफ काम चल रहा है बस यहाँ पे ही आराम चल रहा है. काफी बैचलरहुड एंजॉय कर रहे हैं आप आजकल. हाँ बड़ी सी नई नई महंगी गाड़ी ली है. क्यों ली है मुझे पता है. क्यों क्यों उसको पसंद है ना. उसको किसको. अरे मैं उसको कह रही हूँ जिसको ये कल डिस्को में लेकर गए थे. नहीं नहीं आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है. लेकिन उसको जिसको मैं उसको कह रही हूँ उसको समझ में आ गया मैं किसको उसको कह रही हूँ. क्या बात है. और आपकी जो नई चमचमाती मोटर आपने ली है. हाँ. 4 करोड़ की है ना. मैं ना आपको बता रही हूँ इट्स अ वेरी रॉन्ग इन्वेस्टमेंट. क्यों? इतने पैसे में आप 200 ऑटो खरीद सकते थे. ऑटो का वो क्या करेंगे. अरे एक खुद यूज कर लीजिएगा बाकी 199 काम पे लगा दीजिए. मुंबई शहर में लोगों को एक ऑटो नहीं मिलता है. आपको 200 ऑटो मिल सकते थे. बम्पर पहले क्यों नहीं मिली. तो ये आइडिया अपने में क्यों नहीं यूज कर लेती. मुंह में बैटरी रख और 3 चक्के लगवा. इलेक्ट्रिक ऑटो बंद. चल यहां से महालक्ष्मी तक. देख तेरे ऊपर तो सवारी भी 10-15 आ जाएंगी. मैंने कहा ऑटो बन. ये नहीं कहा अभी स्टार्ट हो. करने के आई हो इधर.
मैं इंग्लिश से बात करने आई हूँ। से बात करने आई हूँ। यार किस से बात करने आई हूँ? क्या बात करने आई हूँ? जी, मैं कहना चाह रही थी कि आप मुझे लेके फिल्म बनाते क्यों नहीं हैं? 10 हलवाई मिलके तेरे लिए एक वक्त की रोटी नहीं बना पाते, वो तेरे लिए फिल्म कैसे बनाएंगे? अरे यार, भूत आपकी फिल्म में दिखाई नहीं देते ना। अभी आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, ये नहीं दिख रहे हैं, ठीक है? इस आदमी को इग्नोर करते हैं। मैं आपको ऑफर देती हूँ, यू विल बी रियली हैप्पी टू नो, सोशल मीडिया पे आई एम वेरी एक्टिव। मेरे 6,000 फॉलोअर हैं। 6,000? तो क्या अगर मेरे एक एक फॉलोअर ने भी अगर 200 रुपए का टिकट ले लिया फिल्म देखने के लिए? सोचिए, 6,000 × 200, 12 लाख। और मैं फिल्म करने का कितना लूंगी? 10 लाख। बैठे बैठे 2 लाख बन गए। 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। अपना 10 लाख तो निकाल लिया, 2 लाख उनका भी निकाल दिया। फिल्म चलाएंगे कहाँ? जमीन पे? थिएटर का खर्चा नहीं आएगा? ये सब प्रोड्यूसर डायरेक्टर देखेंगे। इन चीजों के बीच में नहीं आती। इन चीजों के बीच में कहाँ जाए तू? कपड़ों के बीच बड़ी मुश्किल से आती है। वो अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए आए हैं, भूल भुलैया 2, उसकी बात कर। कोई मैं उसकी बात कर लेती हूँ। आई नो, भूल भुलैया 2। मुझे आज से छोटा सा काम भी था सर, भूत भगाने में। क्या है ना, मैंने अभी ना रेंट पे एक नया घर लिया है। आई एम हैविंग लिटिल प्रॉब्लम। मुझे लगता है वहाँ पे प्रेत आत्मा है। क्या है? प्रेत आत्मा। प्रेत आत्मा। सच में लगता है वहाँ पे है, क्योंकि मैं जिस घर में रहती हूँ ना, बगल वाले घर पे से आवाज आती है कि किराया भरो, पानी बंद करो, इतना लाउड म्यूजिक क्यों सुन रही हो, वॉल्यूम कम करो। मैं बहुत डर जाती हूँ ये सब सुन के। तेरा मकान मालिक है वो, किराया भरा कर फिर अपना। ओ दैट्स फुलचंद मकान मालिक है। देखिए, आपका काम आसान हो गया। अब आपको कोई भूत भगाना नहीं है, आपको सिर्फ मेरा किराया भरना है। वो क्यों भरेंगे तेरा किराया? तो मैं क्या खुद भरूंगी अपना किराया? देखिए, अबला नारी अपना पेट नहीं भर पाती है, मैं किराया कहाँ से भरूंगी? मैं सच कह रही हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ। ये पेट आपको बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन ये जो कॉर्नर है ना, बस ये भरा हुआ है, बाकी यहाँ से यहाँ खाली है पूरा। अगर ट्रांसपेरेंट होता तो मैं आपको दिखाती। नहीं, मैं खाने के लिए ना कहीं भी जा सकती हूँ। आप ग्वालियर से ना? ग्वालियर? हाँ। ओ, ग्वालियर का वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। क्या? क्या? अपना क्या वो बहुत फेमस है ग्वालियर में, अपना वो कार्तिक आर्यन। कार्तिक। आपने इंजीनियरिंग की है ना? जी। फिर तो आपने लंच भी किया होगा। उनकी इंजीनियरिंग से तेरी भूख का क्या लेना देना मतलब? नहीं नहीं, देखिए, इनको इंजीनियरिंग लगी तो इन्होंने इंजीनियरिंग की, मुझे भूख लगी तो मैं लंच करूंगी। इट्स अ डायरेक्ट कनेक्शन। करेक्ट, करेक्ट। और देखिए, अगर आप मेरे साथ लंच में नहीं चलना चाहते, बिकॉज़ आई अंडरस्टैंड, लोग होते हैं, क्राउड होता है, बातें हो जाती है, यू नो, जैसे पापा राजी, मम्मी हु इज नॉट राजी, ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो इसका मैं एक आसान तरीका आपको बताती हूँ। मुझसे आप शादी कर लीजिए। नो, इट्स वेरी इजी। जस्ट अ मंगल सूत्र, यहाँ पे एक ऐसा हवन कुंड होगा, राउंड 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 7 सर्कल, फिनिश। इतना आसान है, मुझसे शादी कर लीजिए। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, मैं मम्मी जी से बात कर लूँ? हाँ, कर लो। मम्मी जी, ध्यान से, मम्मी जी के ऊपर ना गिर जाना। नहीं नहीं नहीं, मम्मी जी, मेरी एक रिक्वेस्ट थी, आप मेरी बात सुनिए। मम्मी, मम्मी देखे मैं। नहीं नहीं नहीं, आप मेरी बात सुनिए। आपकी शादी हुई है तो किसी और की भी होने दो ना, चलो। आपकी शादी हो गई, किसी और की भी होने दो ना। क्रिश्चियन जी, वो अभी तक बैठी है। ऐसी बहू मिलेगी 2 सीटों पे बैठी? देखो, आपको एक बहू में ऐसा क्या चाहिए जो मुझ में नहीं है, मुझे बताइए। कुछ भी नहीं है आप में जो मुझे चाहिए। इतना सबको दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, माता पिता से बेइज्जती होते आज मैंने पहली बार। कुछ में मुझे अपनी बेटे से शादी करा के अगर आप मुझे कहीं दूर दराज सुनसान जगह पे हनीमून के लिए भेजना चाहती है, भेज दीजिए, मैं चली जाऊंगी। आप अकेले चले जाओ, मैं बेटे को नहीं बोलूंगी। देखिए, अगर आपने अपने बेटे से मुझे शादी नहीं करवाई ना,
तो फिर मैं आपके पति पे भी डोरे डाल सकती हूँ। प्लीज आ जाइए, मेरे बेटे तो नहीं। नहीं, या तो बेटा जाएगा या पति। डॉक्टर साहब को देखिए, सच में ये आपका आखिरी फैसला है? अंतिम फैसला। एक बार आखिरी बार मेरी आंखों में आंखें डाल के देखिए। कार्तिक कर लो, अच्छी है। ये सुना आपने? कार्तिक प्लीज मेरी बात मान जाइए, प्लीज बात मान जाइए। मेरे को कुछ सुना ही नहीं दे रहा पिछले 5 मिनट। नहीं 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 नहीं, मुझे इस तरह मत देखिए। शादी से पहले शरारत नहीं है, शरारत नहीं। शादी से पहले तू मुझसे लिख के ले ले, शादी के बाद भी तेरे साथ कोई शरारत नहीं करेगा। शादी से पहले ज्यादा ज्यादा तेरे साथ होगा तो धोखा। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, शादी की इतनी सारी डिस्कशन तो हमने कर ली, संगीत की बात तो हमने की नहीं। संगीत पे डांस होगा, डांस की रिहर्सल होगी। करेक्ट, रिहर्सल है कि नहीं सर? क्यों आती है बार बार? अरे ये क्या तरीका है? आइए अब चलते हैं पोस्ट के पोस्टमार्टम की तरफ। दिखाइए जरा। कार्तिक ने ये फूड डाला है, वो बैग लेके भाग जाऊं या चुपचाप स्ट्रॉबेरी खाऊं? अच्छा पीछे लेडीज बैग में बैग है कोई। कमेंट्स देखते हैं नीचे क्या क्या है, दिखाइए। जैसी आपकी पर्सनालिटी है उस हिसाब से तो आप बैग वाली को भी लेके भाग सकते हो। लड़की के साथ आए हैं इसलिए स्ट्रॉबेरी ऑर्डर की है, लड़के के साथ आए होते सिरके वाला प्याज रखा होता। और दिखाइए, सिर्फ काला चश्मा लगाकर आप चोरी नहीं कर पाओगे, मुंह पे कपड़ा भी बांधना पड़ेगा और सीसीटीवी का खास ध्यान रखें, मैं उसी वजह से पकड़ा गया था। दिस इज फैंटास्टिक। सिर्फ नजर नजर का फेर है, किसी को ये ग्लास आधा खाली लगेगा और किसी को आधा भरा हुआ। किसने रिप्लाई किया, कृपया मुझे पर्सनल डीएम करें, मैं आपको गालियां देना चाहता हूँ। कितने अदब से लिखा उसने। और दिखाइए, क्यारा ने, अच्छा पहली बार हुआ है कैप्शन नहीं को डाला, लड़कियों के कैप्शन बड़े मजेदार होते हैं, लंबे लंबे कैप्शन। आइए, बहुत अच्छी पिक्चर है, दिखाइए कमेंट्स नीचे। लगता है मैडम पीठ खुजा रही थी, कैमरा देखते ही पोज देने लगी। चांदी की वर्क लगी हुई है, आज तो आप काजू कतली लग रही हैं। ये हलवाई का बच्चा होगा कोई। इसमें सोना भी है चांदी भी, मेरे दादाजी तो इस फोटो में ही चमनप्राश का सुख ले रहे हैं। आज तक सिल्वर फॉयल में सिर्फ रोटी देखी थी, पहली बार ब्यूटी देखी। और दिखाइए, Oh my! Had such a blast shooting something really fun with the great Kali. Shoot diaries. ये कहाँ shoot किया था राजपाल भाई? ये I think mud में. Comments दिखाइए. इनका पैजामा अगर गर्दन पे बांध ले तो आपका gown हो जाए. राजपाल भाई सच से बता रहे, इस फोटो में आप खड़े हुए या बैठे हुए हो? राजपाल भाई अगर आपके फोन का नेटवर्क चला जाए तो आप इनके कंधे पे बैठ सकते हैं। और दिखाइए, जितना जल्दी हो सके वहां से निकल लो, इनके जिम का टाइम हो गया तो ये आपको उठा के शोल्डर प्रेस मारने लग जाएंगे। दोनों ही देसी घी का ऐड कर सकते हैं, एक असली का दूसरा नकली का। ये कमाल है। and. और दिखाइए। ये इनको भी आज ही शूटिंग रखनी थी, when there is a heat wave going on. दिखाइए जरा नीचे कमेंट। आप तो मस्कट के शेख लग रहे हो। बंदा है तो क्रिएटिव,
रोटी लपेटने के कपड़े में सर लपेटा हुआ है। किसी लिखा पागलपंती के साइड इफेक्ट। खराब शॉट के बाद एक्टर को म्यूट में गाली देते हुए। और दिखाइए। डिस्क्लेमर, अपना और रोहित का पोस्ट डाला तो कृति ने मुझे ये पोस्ट जबरदस्ती करवाया है। हैशटैग शहजादा। दिखाइए नीचे कमेंट्स। ऐसे ही लड़के होते हैं जिनका शादी के एक साल बाद बच्चा हो जाए तो कहते हैं ये तो घर वालों ने जबरदस्ती करवाया है, मेरी इच्छा नहीं थी। इनकी शक्ल बता रही है कि रोटी का वेट करते करते इनकी दाल ठंडी हो गई। देख तो ऐसे रहे जैसे टोकरी से मोमोज नहीं सांप निकलेगा। और दिखाइए। जरूर इस होटल में चश्मा पहनने वालों को डिस्काउंट मिलता होगा। जब खुद का मन अनलिमिटेड थाली खाने का हो और लड़की के चक्कर में चाइनीज खाना पड़े तो ऐसा ही लगता है। और आगे दिखाइए। प्लांट स्माइल ग्रो लाफ्टर हार्वेस्ट लव। कितनी प्यारी फोटो है। दिखाइए कमेंट्स। ऐसी नर्स के चक्कर में जो लोग पेशेंट के रिश्तेदार नहीं होते वो भी मिलने आ जाते हैं। मेरे ख्वाबों के गुलिस्तां में तुम हर रोज आती हो, ये फूल सिर्फ फोटो के लिए है या कहीं दुकान भी लगाती हो। आगे दिखाइए। What do I do in between shots? A little stress busting exercise. अनीस भाई बजाते हो आप हारमोनियम? हाँ हाँ थोड़ा बहुत सर। अरे शूटिंग पे ये वही हमारी फिल्म की शूटिंग है। ओके भूल भुलैया की। ओके दिखाइए नीचे कमेंट्स। हारमोनियम भी लाइक अनीस बजा मी। ऐसे काम आदमी शॉट के बाद नहीं शॉट्स के बाद करता है। खड़े होकर बजाने में यही फायदा है, भागने में आसानी होती है। और दिखाइए। क्रिएटिव लोग होते हैं यार। कोरोना स्लाइडिंग इनटू अनमास्क्ड फेसेस लाइक। नाइस कैप्शन। दिखाइए जरा कमेंट्स। इससे ज्यादा बड़ा मुंह तो लड़कियां पानीपुरी के लिए खोल लेती हैं। अब क्या जुरासिक पार्क का भी रीमेक बना दोगे? आप अपनी उम्र से कुछ ज्यादा बड़े लोगों के मुंह नहीं लग रहे। ध्यान से भाई, कुत्ता काटने का इंजेक्शन आता है, डायनासोर का नहीं। क्या बात है। और दिखाइए। स्काई अबव अर्थ बिलो एंड पीस विद इन, व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर। आगे चले। ध्यान से मेरे को पत्थर तो गिनने दो कितने पीछे। कमेंट दिखाइए। ऐसी लड़कियां होती हैं जो खुद ध्यान लगा के दूसरों का ध्यान भंग करती हैं। फन फैक्ट, योगा करने से 500 कैलोरीज बर्न होती हैं और योगा करती लड़की को देखने से 1000 कैलोरीज। लड़की भले ही कितना ध्यान लगा लें, आसपास की सारी बातें सुनती हैं। बड़ा खाया हुआ इंसान है। और दिखाइए। दोनों हाथों से पैसा कमाने का ट्रिक सोचते हुए। सच में लड़कियां बड़ी कंफ्यूज होती हैं। निकली ट्रैकिंग के लिए है, कर योगा रही है। ट्रैकिंग के लिए निकली थी आप? क्यारा, जब आप बताए, आपकी बहुत सारी ऐसे वीडियोस आती हैं जब आप जिम जाती हैं, आपके पेपरेजी पीछे पड़े रहते हैं, कभी आप किसी अवार्ड फंक्शन में जाती हैं वो आप कुछ भी पहना रहता है, तो नीचे लोग ना कमेंट्स करते हैं, वाओ क्यारा इज वेयरिंग दिस एंड दिस ब्रांड वर्थ रुपीज फलाना 1.5 लाख 2 लाख, ये भी लिखते हैं लोग। तो कभी ऐसे कमेंट्स में रेट पढ़ के आपने अपने डिजाइनर से पूछा नहीं कि कमेंट वाले ने 1.25 लाख लिखा, तूने मुझसे 3 लाख ले लिया? ऐसे हिसाब लगाते हैं कभी आप? नहीं, पर लगाना चाहिए अभी। जैसे हमारी अर्चना जी की आदत है, जैसे शूट चल रहा ना, आप आयो तो ब्रेक होगा ना, बीच में आपको साइड पे ले जाएंगी। हाँ। कितने पैसे कमाए पिछली फिल्म से? इनको ना बड़ा जानने को रहता है। तो आपके कभी रिश्तेदार नहीं पूछते कि आपकी फिल्म ने 200 करोड़ कमा लिया, 300 कमा लिया, आपको कितने मिले, ऐसा पूछते हैं सवाल? नहीं, बहुत बहुत लोग पूछते हैं। हाँ? और
वो जानना चाहते हैं कि यार ये फिल्म जो इतनी बड़ी हिट हुई है हाँ. उसके बाद आपको कितने मिले हाँ. तो जब उनको ये बताते हैं हम के नहीं हम लोगों का एक जो फिक्स रेट होता है वो फिक्स हो जाता है हुँ. और पिक्चर चाहे जितनी भी बड़ी हाँ. हिट हो जाए आपको उतने मिलते हैं उनको हमसे ज्यादा दुख होता है हाँ. अरे इतनी मेहनत करते हो आप लोग इतनी मेहनत करते हो यार अनिश भाई उतना ही मिलता है तो फिर इतनी चल के फायदा क्या भूल भुलैया की पूरी टीम को बाबा की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक यू काला जादू वशीकरण पति पत्नी में क्लेश हर समाधान है बाबा के पास बताओ बालिके क्या समस्या है तुम्हारी बाबा जी मेरी शादी नहीं हो रही है मेरी भी नहीं हो रही है आओ थोड़ी थोड़ी शादी करके आते हैं पहले अरे छोड़ो तुमसे शादी करने से अच्छा मैं कुंवारी ना मर जाऊं मर जाना किसी गरीब के काम ना आना मरने के बाद भी तुमने चड़ेल बनना है उसके बाद भी मैंने ही वश में करना है क्यों बाबा को इधर उधर घुमा रही हो पेट्रोल पहले बहुत महंगा हो चुका है खैर बालिकाएं हमारे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है तुम लाल कपड़े में दाल चावल को पकाकर एक हरे वृक्ष के नीचे रख दो और रखने के बाद इसको फोन करना नहीं तो सारे चावल कुत्ता खा जाता है भूखा रह जाता है और कसम से चंदू तू क्या ऐसा लग रहा है युगांडा की आर्मी में पीएन लगा हुआ है विचित्र बालक अभी तुमने हमारी शक्तियां नहीं देखी 10 साल हो गए शो चलते हुए आज तक तो शक्तियां दिखी नहीं हमने कुछ करो जब शक्तियां दिखाए बगैर हमारा इतना अच्छा चल रहा है सोचो अगर हमने शक्तियां दिखा दी तो क्या होगा बालिकाओं पीछे जाकर तुम शक्ति वाटर का अरेंजमेंट करो अभी हमारा भक्तों को मिलने का टाइम है ठीक है ए बाबा जी आपकी सलवार का डिजाइन है कि किसने धागा खींच दिया ज्यादा क्या चल रहा है मैं यार करेक्टर में घुसा हुआ हूँ करेक्टर में नहीं घुसा तेरा करेक्टर ही घुसा हुआ है इससे बातें अनीस सर जितने मर्जी करा लो लेकिन काम कोई ढंग का नहीं करता अच्छा? इतने 10 तरह के फ्रूट इसने सामने रखे ये नहीं कि कोई एक आध फ्रूट बाबा की झोली में डाल दे ना ऊपर कर और ऐसी तेरी सलवार को ग्रैंड ओपनिंग लगेगी ना आज तक किसी मूवी को नहीं लगी होगी क्यारा जस्ट इग्नोर हिम ये जो भी बोल रहा है ना ये सारा कट जाएगा उसकी जगह हम दिनेश का डांस डालेंगे 2.5 मिनट का इतना कटवा रहे हो तो मेरी ये ककड़ी भी काट दो मेरा सैलड का टाइम जब पता टाइम हो गया तो इसको काट के नमक लगा के बेचते क्यों नहीं चलो बाहर यार प्लीज मेरे को गेस्ट से बात करने दो वो क्यों करेंगे तेरे साथ बात कर मेरे को बता क्यों नहीं करेंगे वो आए हैं भूल भुलैया करके तू आया बर्तन धुलैया करके कपड़े धुलैया गाड़ी धुलैया तेरे से बात क्यों करेंगे भाई वो अनीस सर ये देखिए ये होता है दोस्तों के साथ काम करने का नतीजा कभी बंदा अप्रिशिएट नहीं करता ये बंदा बाहर तो इसकी वेट कर रहे हैं महेश भट्ट संजय लीला भंसाली सीरियसली संजय लीला भंसाली तो रो रहे हैं चंदू फोन नहीं उठा रहा हमारा मैंने कहा उठा लेगा पहले फोन तो ले ले सर चक्कर पता क्या है फोन मैं इसलिए नहीं लेता मैं थोड़ा सोशल जो लाइफ है ना वो उससे थोड़ा मैं परे रहता हूँ सलवार आपकी फट जानी है यार तेरा ध्यान मेरी सलवार के अंदर क्यों घुसा हुआ है भाई मैंने कुर्ता भी डाला है ऐनक मिल गई इसकी भी तारीफ करो इधर भी देखो नहीं वो तेरा घुटना इतना तीखा है ना यही तो हमारी सलवार फाड़ेगा तेरा घुटना ही ये घुटना मेरे बड़े काम के घर ले जाओ मसाला कूटने काम भी आता है प्लीज खैर तो मेरी बात सुनो जो भी बाहर बैठे हैं उनको समझाओ कि मैं फिल्म ऐसे नहीं करता पहले मैं स्क्रिप्ट सुनता हूँ तू गालियां सुनेगा अब तो फिल्म की डिमांड होगी मैं गाली में सुन लूंगा क्यों नहीं सर हाँ बिल्कुल एक बार ये बकरी का दूध लेने गया बकरी नॉर्मली कहती ना मैं इसको देख कर तू तेरी तू निकालेगा हमारा दूध चल निकल यहाँ से करने क्या आया इधर तू आज यार मैं इधर अनीस सर आए इतने बड़े डायरेक्टर आए हैं मैं इनको अपनी वुड बी लाइफ पार्टनर के साथ अपना एक डांस परफॉर्मेंस दिखाने के लिए आया क्या बात कर रहा है क्या हुआ तेरे को तो कोई बेस्ट विशेस नहीं देता तेरे को लड़की किसने दे दी ओ पार्टनर आ जाओ कौन भी हेलो वेरी गुड वेरी गुड इनका ये बड़ा मैंने चीज देखी दोनों की दोनों ना सबको है कैसे ये सब बोलते हैं इनको पता है बाकी तो काम की चीज कोई है नहीं बाकी कटेगा सारा हाय हेलो कर करके ये 10 साल से निकाल दी इन्होंने क्या बनी हुई है ये तू सारे कलर मिक्स कर दिए तूने सर
जैसे आप राजपाल हैं जी, वैसे ये है नाराजपाल, तो हम कुछ भी बन के आ जाए इनको नाराज होना ही होना है। अब खबरदार कर कहा मुझे भी पंच दिया करो, दिया था ना, खराब किया तुमने। डायमंड थोड़ी कुछ भी बन के आ जाते हैं, वही तो प्रॉब्लम है। इसका इंस्टाग्राम चेक करो, इसने लिखा हुआ बॉर्न एक्टर, जिस काम के लिए बॉर्न हुई वही काम नहीं कर रही। और मेरी बात सुन, तुमने बॉर्न एक्टर लिखा है, डिलीट करो उसको, उधर पापा की परी लिखो जाके। पापा की परी? हाँ, तुमने इसके पापा की शक्ल नहीं देखी, जिस हिसाब से इसके पापा, ये परी है उनकी। एक सेकंड, तुमने अपनी शक्ल देखी, इनके इंस्टाग्राम बायो में लिखा हुआ है नेचुरल एक्टर एंड हैशटैग नेशनल क्रश। शक्ल देखी तुमने अपनी? मैं हूँ नहीं नेशनल क्रश, तुम और तुम्हारी मम्मी मुझे नहीं लाइक करती, तो हम नेशनल हो गए। जो मेरी बात सुनो, तुम्हारी दादी भी मेरी फोटो के नीचे ना दिल वाले इमोजी भेजती है। सुनो, दादी को मत बीच में लाओ तुम। अभी तो मैं लाया नहीं, लेकिन अभी मैं बताता हूँ सर इसकी दादी के बारे में, एक भी दांत नहीं है उसके मुंह में, लेकिन एक एक किलो चिकन चूस जाती है। हाँ, ये तो बात मैंने देखी है। हाँ जी, एक दिन चिकन चूस रही, चिकन कहता खाना तो खाओ, गुदगुदी को करी जा रही है। खैर, कार्तिक सर, ये देखो पापा की परी, ये पापा का लंगोट। कार्तिक सर, मैंने सुना है आपने गाड़ी ली है। नहीं, अब मैंने सुना तूने नया कपड़ा लिया, मारो जाके गाड़ी पे। इनका शो में इनपुट कुछ नहीं है, आउटफिट देखो इनके हर एपिसोड में। अच्छा, इतने महंगे पड़ रहे हैं ना नीज भाई, कसम से कई आदमियों की एडिटिंग होती है ना, मैं दोनों की गर्दनें ऐसे काटता। सर, हमारा शो में इनपुट नहीं है ना, और हमारे आउटफिट देख रहे हो, तो इधर अर्चना जी का शो का स्क्रीन प्ले लिखती है। अब मैंने कुछ नहीं कहा। यार मेरी बात सुनो कार्तिक सर, दोस्ती का कोई जमाना नहीं है। अरे मैं कपिल शर्मा होता और ये चंदू होता, मैं बिना परफॉर्मेंस के इसको पैसे देता। देखा, इनडायरेक्टली भीख मांग रहा है। ओ हेलो, ज्यादा मत बोलो, तुम्हें पता तुम्हारी और मेरी दोस्ती की वजह से ना इसका घर चल रहा है। एक सेकंड यार, ये तुमने कितनी बार कहा, दोनों के बीच में मैं कहां से आ गई? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, हम दोनों के बीच में तुम क्या लेने आती हो? तुम तो अपने माँ बाप के बीच में आ गई, तभी दूसरा नहीं हुआ। अच्छा, वो देश की आबादी को कोई तो कंट्रोल कर रहा है। मेरी बात सुनो बुरी, मेरे साथ ना तमीज से रहना, यूएस के जो शोज हो रहे हैं हमारे लाइव। अच्छा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा उधर। तुम मत आओ, मैं अपना सामान खुद उठा लूंगी। मैं तुम्हारा उधर सामान उठाने के लिए जा रहा हूँ। तो किसका सामान उठा? मैं तो इसका सामान उठाने के लिए जा रहा हूँ। सुनो, ये कोई प्राउड होने वाली बात नहीं है, समझ में आए? अगर तुम इतने टैलेंटेड होते ना, तो आज तुम्हारी यहाँ पे सोलो एंट्री होती, मेरे सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ये इसकी लाइन थी, इसने बोलनी थी तुमको। मेरी बात सुनो असलियत। हेलो, सुन लो इधर, तुम्हें भी उधर को टैलेंट के बेस पे नहीं लेकर जा रहे। अच्छा। और सर, इसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। हाँ। और हमारे पुराने रिलेशन है, कॉफी वगैरह पी हुई है, इसलिए इसके साथ। आप अभी पूछ रहे थे ना मुझे बैक स्टेज की शो ऑफ एयर क्यों जा रहा है। हाँ। ये दो रीजन खड़े हैं सामने। दुनिया पूछ रही है कि यूएस वाले शोज की जो एडवांस सारी बुकिंग हो चुकी है, उसकी कौन सी वजह है? दो, वो आपके सामने खड़ी है। जोरदार तालियां बूरी और चलो। ये तो धन्यवाद करो वहां के लोगों का। हाँ। वहां के जो इंडियन बैठे हुए हैं, जो नेपाली बैठे हुए हैं, जो हिंदी समझने वाले लोग हैं। हाँ। यहाँ पे रुपया नहीं चलता, वहां पे चिल्लर चला रहे हैं वो लोग। क्या बोल रहे हो तुम? क्या एक्सक्यूज मी? मुंह कटोरे जैसा लग रहा होगा, तो चिल्लर की बात करेगा वो। उससे वैसे तुम्हें भी चिल्लर बोला है। मैं तो चिल करता रहा था, इसलिए मुझे चिल्लर कहा। हाँ, पहले मैं कूल था, इसलिए लोग मुझे कूलर भी कहते थे। ये है इसकी क्रिएटिविटी। ये तो हमारी बचपन की दोस्ती, हम कुछ कहते नहीं तो ऐसी बातों पे तो हाथापाई हो जाती बात। तुम दोनों यूएस जाके करोगे क्या, पहले मेरे को बताओ। हम ना एक डांस परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इनिशियल स्टेजेस में तो हम कुछ परफॉर्म करेंगे। तुम 12 साल से कर रहे हो। हाँ, तो चल रहे 12 साल से, देख लो। तो ये जो आज ड्रेस पहनी है, हाँ। इसका क्या आज रीजन क्या है? थोड़ा लगा लुक टेस्ट दे दूं फीलिंग के लिए, क्या पता अनीस सर को शायद मैं अच्छी लग जाऊं नेक्स्ट भूल भुलैया 3 के लिए।
तो मैं एकदम कैरेक्टर में जो उनको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है उसको तो आज तक लिया नहीं। अब पता नहीं ना। नहीं मुझे बोला है उन्होंने, कहते बाद में देखेंगे तुम्हारा। बाद में उन्होंने इसलिए बोला, उनको ड्राइवर चाहिए, उनका ड्राइवर भाग गया। सर आपका जब ये हो जाएगा कप्पू आपको छोड़ देगा, उसके बाद मैं आपसे मिलूंगी वो भी बाहर, है ना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर भूल भुलैया 2। थैंक यू। चंदू मैसेज आया यूएस से, कहते अभी अभी हम दोनों की परफॉर्मेंस देखी, तुम्हारा वीजा फाड़ दिया उन्होंने। अनीश भाई अब हम आपके साथ एक गेम खेलेंगे, बातें बहुत हो गई जी। कुछ बंदे यहाँ पे खड़े करेंगे हम और साउंड चलेगा, आपको वो साउंड सुनना है और आपको देखना है किसकी बॉडी के हिसाब से साउंड मैच करती है। इंटरेस्टिंग गेम है, हम भी पहली बार खेल रहे हैं, चली तो आगे भी रिपीट करेंगे, नहीं तो ये बंदे गायब कर देंगे हम। आइए कौन है हमारे वो कंटेस्टेंट, आइए जी। क्या हाल है जी? सर नमस्ते जी, आइए आइए। तो आपको देखना है कि कौन सी आवाज किसके साथ सूट करती है, तो चलिए साउंड प्ले किया जाए जरा। तारीख 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 मिलती रही है माय लॉर्ड, पर इंसाफ इंसाफ नहीं मिला। पाजी ये नहीं, जो पंजाबी बॉडी में जो है, हाँ या ना पाजी, आपकी आवाज है ये? नहीं ये डायलॉग आप बोल के दिखाओ, ये डायलॉग तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख। नहीं अरे नहीं, तो कौन था वो? आई थिंक वो चेक वाले पहले, आपकी आवाज थी। वाह वाह आप आउट, आइए चलिए ओके नेक्स्ट साउंड। आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते हैं तो हम खुशी खुशी दे देते हैं, पर आपने तो हमसे हमारा कार्तिक आर्यन छीन लिया। ये पक्का इन दोनों में से किसी एक की है। ये उसकी है। सेकंड वाली की आपकी आवाज है, ये किसकी है? मुबारक हो। अरे वाह आपने नाम भी बोला ना, आपके नाम पे बोला है। Because you are my permanent crush. Normal crush तो बदलते रहते हैं, but आप fix हो। जब से प्यार का पंचनामा देखा तब से। Thank you so much. And I have a question for you. जी पूछे। आपकी कोई girlfriend, कोई लफड़ा, कोई setting? Girlfriend? मैं इतने सालों से पूछ रहा हूँ, मुझे तो आज तक बताया नहीं उसने। ठीक है अगर सुनिए, अगर दो की भी तो हम ब्रेकअप करवा देंगे। ठीक है इतना कॉन्फिडेंट है हम में, तो आज हम यहाँ से सेटिंग करके ही जाएंगे बस। ये हमारा ये पसंद है ना, चलो निकलो यहाँ से। आपने नाम नहीं बताया अभी तक तो अपना। अपना मेरा नाम मनीषा रानी और आप मेरे राजा बाहों में आ जा। सुनिए सुनिए बस 5 मिनट मेरी आंखों में देखिए, अगर प्यार नहीं हुआ तो बस 5 मिनट 10 मिनट देख लीजिएगा, देखते देखते तो हो ही जाएगा ना। हो ही जाएगा ना। मनीषा कहाँ की रहने वाली हो आप? मैं बिहार से हूँ। अच्छा शादी के बाद आपको सुंदरता अभी भी बरकरार है, अभी भी लड़की लोग को घुलचा सकते हैं अपने अदाओं से आप। मेरी तो उधर हुई है अंधेरी वेस्ट में, इधर मैं बैठा हूँ राजा। ओके 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 भाई तूने गाना सोचा तू एंजॉय करने लगा। मनीषा इधर आओ, कार्तिक के इधर बैठो। ओह माय गॉड उसकी आंखों में देख के जो मोस्ट रोमांटिक डायलॉग आपको आपका दिल धड़काना था, आपकी मम्मी पापा को पटाना था, हो गया बस। सब कुछ छोड़ छाड़ के सारा लड़का को तोड़ ताड़ के बस आपके लिए आए हैं, ये बिजली गिराए हैं, हाँ कर दीजिए और अपना बना लीजिए। अच्छा कुवारा ये भी है? वो भी है, देख रहा है। वो मुझे बाहरी बहना बोल चुके हैं ना भैया, और मैं यहाँ आपके लिए आई हूँ 100%। हाँ हाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं। सारे कहीं चलते हैं फिल्म सिटी की कैंटीन में कुछ खा के आते हैं। आ जाओ मनीषा, उनको घर भी जाना है, एक हग कर लीजिए। हाँ ये लीजिए। मैं तो भूल ही गया हम खेल क्या रहे थे। अरे वो आवाज पहचानो भैया, आप तो भैया। वो चली गई मनीषा तो अपना काम करके। अरे वो कहाँ गई मनीषा? अरे
यार इंटरेस्टिंग है ना इंटरेस्टिंग है मनीषा जाना मत मेरी बैठो बड़ा मजा आया आपसे मिलके जब तक नंबर नहीं लेंगे तब तक निकलेंगे नहीं डोंट वरी समझ रहे हैं ना हाँ, समझ अब आप अभी से सपने में मत खोजिएगा बगल में बैठी तो उस पर भी ध्यान दीजिए फिर जब निकलेगा फिर मेरे पे ध्यान दीजिएगा ओके माय गॉड बड़ा मजा आ गया मिलके मनीषा आपसे राजन जा भाग रही है वो जा जा राजन साथ में जा चला गया चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं हमने कहा देखिए हमारे ना हमारे साथ हमारा मुकद्दर ही ऐसा है ये शो हमने बनाया था 3 महीने के लिए नीज भाई 9 साल हो गए भाई यही सब हरकतों की वजह से पता नहीं चलता हम कहाँ शुरू होते कहाँ निकल जाते अच्छा टेस्टिंग गेम है आगे चलाइए रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं अच्छा नाम है शहंशाह पाजी और पाजी 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 नहीं नहीं स्पेक्स में जो है सर ब्लैक शर्ट उनके और हां कितने शर्माएगा तो होठ हिलाकर कहा है ये हिस्ट्री में ना Speakers पे चल रहे Kiara ma'am, I'm your big fan. Oh, thank you. And I love you. From the bottom of my heart. एक बंदे ने पहले भी ऐसे बोला था no. मैंने उसके मुंह पे तकिया लगा के ना नहीं मैं सबके लिए नहीं बोलता हूँ मैम मैंने सिर्फ आपके लिए बोला क्या बात See, he's not like you. Kiara, आज एक अजनबी के लिए तुमने मुझे नकार दिया अपने नाम नहीं बताया अपना मेरा नाम है धीरज बंसल धीरज जी कहाँ से आए आप कलकत्ता ओके क्या कर सकते हैं आप Kiara के लिए Kiara के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ नहीं, नहीं। जिम जा सकते हैं हाँ जी कहना है मुझे कुछ कहना जी क्या कहना है आपको कार्तिक सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ थैंक यू मुझे एक आपके साथ एक रोमांटिक डांस करना है कौन से गाने पे करना है आपको आप जो बोलो वो गेम का क्या हुआ जो हमने शुरू किया जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए अनिल भाई राजपाल भाई कार्तिक Kiara थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू कमिंग ऑल द वेरी बेस्ट फॉर भूल भुलैया 2 एंड ऑल योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स और बड़ा मजा आप लोगों के साथ मिलके हमेशा ही आता है थैंक यू ये एक शो है जो फैमिली एंटरटेनर है हमेशा मतलब घरों घरों में आपका नाम इसीलिए होता है क्योंकि आप पूरी फैमिली को हंसाते हैं एंटरटेन कराते हैं उनके दुखों को भुला देते हैं सो कीप डूइंग दिस थैंक यू लव यू और मैं ये कॉम्प्लीमेंट दिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा अच्छा जी तो गाँव में शूटिंग चल रही थी तो एक बंदा बोलता है कि यार टाइम हो गया तो अपना कपिल शर्मा का शो देख लेते हैं एक आदमी उठा और बोलते हैं यार कि खाना खाते हुए बच्चों के साथ जब कपिल शर्मा का शो देख लेता हूं तो रात में नींद अच्छी आती है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है शुक्रिया और आप सबका बहुत शुक्रिया इतने प्यार से बैठ के आप लोग हमारी शरारतें सुन रहे थे देख रहे थे थैंक यू सर लव यू टू थैंक यू और दोस्तों पूरे देश में बहुत तेज गर्मी पड़ने लगी है इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि अपने घर के बाहर खिड़की पे दरवाजों पे जहाँ कहीं भी आपको ठीक लगे जहाँ पे आपको लगता है कि पक्षी आते हैं उनके लिए पीने के लिए पानी खाने के लिए कुछ दाना ज़रूर रखें और हो सके तो घरों में हो रहे पानी की वेस्टेज को ज़रूर रोकें क्योंकि जल है तो कल है गुड नाइट लव यू ऑल थैंक यू फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़